और देवान, कई बार ऐसा भी होता है कि आप अगर किफ़ायती गेंदबाजी करते हैं, बल्लेबाज को बांध कर रखते हैं, तो कहीं ना कहीं दूसरा जो गेंदबाज होता है, दूसरे छोर से जो गेंदबाजी कर रहा होता है, तब शायद बल्लेबाज सोचता है कि मैं थोड़ा रिस्क लूँ, थोड़ा जोखिम बड़े शॉट्स खेलूँ और अपना विकेट गंवाते हैं। तो ये एक साझेदारी की जो हम बात करते हैं वो यहाँ पर देखने को मिली। नायर ने बिल्कुल अपना जो किरदार था सही तरीके से निभाया। पिछले हफ्ते साझेदारी वीर मराठी के लिए बिल्कुल नहीं हुए थे, खासकर पहले जो उनके 6 विकेट गिरे थे, बहुत जल्दी गिर गए थे, लगभग 35 रन हुए थे। और उसके बाद दो जबरदस्त पार्टनरशिप्स की बदौलत टीम ने आखिरकार 154 बनाए थे। तो आज उम्मीद करेंगे कि कुछ विकेट हाथ में रखते हुए अगर अग्रसर रहें तो एक बड़ा स्कोर जरूर बना सकती है वीर मराठी। बिल्कुल, और यहाँ पर छोर बदलते रहें, सिंगल्स एक एक दो दो रन करके रन एकत्रित करें, और अगर आप यहाँ पर 10 ओवर तक अगर विकेट नहीं गंवाते हैं, फिर आपका लक्ष्य होना चाहिए कि 15 ओवर तक रन की गति थोड़ी और तेज करें, फिर आखिर के आप 5 ओवरों में आप हमला बोल सकते हैं, लेकिन उसके लिए विकेट का होना बहुत ही अनिवार्य है। ऐसे बल्लेबाजी करेंगे तो काम नहीं बनेगा, बिल्कुल सोच समझ कर बल्ला घुमाइए, क्योंकि आप सेट हो चुके हैं। और फिर से बढ़िया गेंदबाजी करते हुए देखिए, सेम पोजीशन बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर इस बार कुछ ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिला, एक्शन भी बहुत बढ़िया है उनका, स्मूथ एक्शन जिसे कहते हैं, सरल नहीं कि ज़्यादा तेज़ गेंदबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बार चूके, कोई बात नहीं, 1,000 रुपये डोनेशन के तौर पर आ गए। और देवांग, चूंकि आप हर लेवल पे खेल चुके हैं, डोमेस्टिक का कहिए या इंटरनेशनल कहिए, टेस्ट क्रिकेट कहिए, वनडे क्रिकेट कहिए, तो एक जो गति से फर्क पड़ता है वो बल्लेबाज के लिए, जो व्यूअर है उसके लिए समझाना बहुत मुश्किल है कि थोड़ी सी अतिरिक्त अगर गति हो तो बल्लेबाज के लिए बहुत मुश्किल बन जाती है। बिल्कुल, और देवांग उसमें क्या फर्क पड़ता है, आपको समय कम मिलता है, क्योंकि आपको आपके पास 1 सेकंड या आधा सेकंड बच जाता है। अगर फ़र्ज़ कीजिए आप ब्रेटली या शोएब अख्तर उस दर्जे के गेंदबाज को अगर खेलते, डेल स्टेन हो गए, तो आपके पास आधा सेकंड बचता है, आपको उसी में आपको परख लेना पड़ता है कि लेंथ क्या है, फिर आपको अपने शॉट खेलने पड़ते हैं। तो गति निश्चित तौर पर एक समस्या बन सकती है, लेकिन गति के साथ साथ नियंत्रण का होना बहुत ही आवश्यक। इस बार शायद वाइड का इशारा हो, लेकिन ना क्रिकेट का जो जुनून है इस देश में देवांग, वो ऐसा ही है कि आप भले ही ब्रेटली को खेले या शोएब अख्तर को खेले, इस देश में सब एक एक्सपर्ट होते हैं। उसमें अगर कोई डिसमिस हो जाए तो हर एक इंसान के पास कम से कम 10 या 20 थ्योरी होती है कि किस तरीके से उन्हें खेलना चाहिए था। बिल्कुल, और क्योंकि ये खेल इतना लोकप्रिय है, सभी की अपनी अपनी राय है और आलोचना करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर और एक वाइड, हम लोग ने जब जब तारीफ की गेंदबाजों की, तब तब हमने देखा है कि वो अपना अनुशासन खो बैठते हैं, बहक जाते हैं शायद। लेकिन ये वाइड होने का भी लाभ हमको, हम लोग देख रहे हैं, 3 वाइड आ चुके हैं, यानी 3,000 रुपये हमारे डोनेशन में। जी हाँ, बिग ब्रदर फाउंडेशन, जो कि हर रन के लिए XXX एनर्जी ड्रिंक CCL पावर्ड बाय पार्ले 2020 कुकीज में 1,000 रन देता है, यहां पे 4,000 रन जुड़ेंगे। ओवर की समाप्ति 63 पे 2। रन अब तक जोड़ चुके हैं सिद्धार्थ जादव और कप्तान रितेश देशमुख। ये बेहतरीन कैमरा वर्क, मैं इनका ध्यान खींचना चाहूंगा तेलुगु वॉरियर्स के बल्लेबाजों की ओर। निश्चित तौर पर उन्होंने मैच देखा होगा, किस तरह से बल्लेबाजी की है इस टूर्नामेंट में प्रिंस और सचिन ने, तो काफी कुछ सीखने को मिलता है, जिस तरह से जिस सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी की, जोखिम नहीं उठाए,
हालांकि ये विकेट उतना आसान नहीं है बल्लेबाजी के लिए, लेकिन फिर भी जिस आसानी से रन बना रहे थे, एकत्रित कर रहे थे, बहुत ही शानदार, एक अच्छा उदाहरण देखने को मिला बल्लेबाजी का। एक और अच्छा सिंगल लिया और यही प्रभावशाली चीज थी खासकर तेलुगु वॉरियर्स के पूरे एफर्ट के बारे में देवांग, क्योंकि आप भी ओपनिंग बैट्समैन रह चुके हैं, आप भी इत्तेफाक रखेंगे कि क्रिकेट में अक्सर बल्लेबाज जो होते हैं वो सबसे ज्यादा आकर्षित होते हैं नेचुरली बाउंड्रीज जब फोर मारे या सिक्स मारे, लेकिन सिंगल्स भी रोकना बहुत जरूरी है और यहाँ पे बहुत अच्छा रोका भी और लिया भी बल्लेबाजों ने, कदमों से रोका लेकिन सावधान रहना होगा, हमने पिछले मैच में ही देखा था फिर से पैरों का इस्तेमाल, ये लेकिन घातक साबित हो सकता है अगर गलती से आप अगर गेंद के ऊपर पैर डाल देंगे तो चोटिल हो सकते हैं आप। जयन वहां पे फील्डर तैनात है, लेकिन ये ओवर अच्छा निकलता हुआ, दो गेंदे अभी भी बची हैं, कुल मिला के 5 रन निकाल चुके हैं जिनमें से 2 लेग बाइज थे, तो जैसे कि हम कह रहे थे पिछले मैच में सबसे प्रभावशाली चीज यही थी तेलुगु वॉरियर्स के खिलाड़ी, जब विकेट्स भी खोने लगे तब सिंगल्स चुराने के कोई मौके उन्होंने नहीं छोड़े, तो ये सबसे अच्छी चीज रहती है किसी भी साझेदारी में, अब दबाव लगातार अपने साथी के ऊपर से हटाते रहे, यहाँ पे उठा के मारा है लेकिन वहां पे फील्डर है, ओ और दूसरे अटेम्प्ट पे पकड़ ही लिया उन्नी ने और यहाँ पे बड़ा विकेट, क्योंकि रितेश देशमुख पिछले कुछ ओवर्स में हालांकि उन्हें ज्यादा स्ट्राइक नहीं मिली थी शायद इसी वजह से खामियाजा हो गया, फुल टॉस बॉल था और देखकर उनकी आंखें बिल्कुल खुल गई और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, हवाई मेल था सीधा फील्डर के इनबॉक्स में, बिल्कुल महफूज, पहली बार छूट गया था लेकिन दूसरी बार कैच मुकम्मल किया, देशमुख कप्तान आउट हुए, 28 बनाए 69 पर 2, रितेश देशमुख कप्तान आउट हो चुके हैं, इसी वजह से नुपुर दुर्वाड़कर को आना पड़ा है, वीर मराठी के नंबर 5 के बल्लेबाज, सिर्फ 9वां ओवर ही चल रहा है, यानी केरला स्ट्राइकर्स नियमित तरीके से विकेट्स लेते रहे हैं और इससे दबाव लगातार बनता गया है वीर मराठी के ऊपर, आखिरी गेंद इस ओवर की और उस पे डॉट बॉल, ओवर की समाप्ति 68 पे 3।